स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान के बनेड़ा ब्लॉक में नानोतिया रोड पर स्थित है। विद्यालय चारों ओर से अरावली की पहाड़ियों की गोद में स्थित है। विद्यालय के ठीक सामने बनेड़ा का ऐतिहासिक दुर्ग दिखाई देता है, जो हेरिटेज की दृष्टि से राजस्थान की दुर्लभ संपदा है। विद्यालय के चारों ओर घास के मैदान और रेगिस्तानी वनस्पतियां पाई जाती हैं तथा आसपास रहने वाले ग्रामीण प्रतिवर्ष जल की कमी से जूझते हुए खेती व पशुपालन के द्वारा अपना जीवन निर्वाह करते हैं। अधिकांश समुदाय कपड़ा इकाइयों व अन्य केमिकल फैक्ट्रियों में मजदूरी का कार्य करते हैं। ग्रामीण की प्रति माह आमदनी लगभग 3,000 से लेकर 10,000 तक हो जाती है। यह विद्यालय राजस्थान सरकार द्वारा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक में स्थापित पूर्णतया अंग्रेजी माध्यम का सह शिक्षा विद्यालय है। इस विद्यालय में संपूर्ण बनेड़ा ब्लॉक के विभिन्न गांवों से विद्यार्थी अध्ययन हेतु आते हैं। यह विद्यालय मुख्यतः SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, BPL और जनरल वर्ग के छात्र छात्राओं हेतु अध्ययन का केंद्र है। विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के परिवारों के सामाजिक ताने बाने पर यदि दृष्टि डालने पर जाति और लिंग आधारित विभेद परिलक्षित होता है। यहाँ समाज के उपरोक्त वर्गों में बाल विवाह तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयों की जड़ें गहराई से धंसी हुई है। यद्यपि यहाँ का जन समुदाय अत्यधिक परिश्रमी है, किंतु कई झोंपड़ियों और घरों तक शिक्षा की किरण अभी तक नहीं पहुँच पाई है। फलतः बालकों की तुलना में बालिका शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव देखने को मिलता है। यहाँ निवास करने वाले विभिन्न समाज में अभिभावकों के पशुपालन, खेती व मजदूरी के कार्य में व्यस्त रहने के कारण बालिका शिक्षा को कम महत्व दिया जाता है, जिसके कारण छोटी उम्र में ही बालिकाओं को घर अथवा खेती के कार्यों में लगा दिया जाता है। मेरी कार्यग्रहण के समय कुल मात्र 80 विद्यार्थी थे। इस न्यून नामांकन की समस्या को दूर करने हेतु टेम्पलेट्स, फ्लैक्स, नामांकन रथ द्वारा बनेड़ा ब्लॉक में विभिन्न गांवों में प्रचार प्रसार कर जनसाधारण को मॉडल विद्यालय का महत्व बताया व नामांकन हेतु प्रेरित किया, जिसके फलस्वरूप उस सत्र यानी 2016-17 में नामांकन 144 हो गया व अगले सत्र 2017-18 में यह यात्रा जारी रही, जिसके फलस्वरूप ये 285 एवं वर्तमान सत्र में ये 316 तक पहुंच गया है। विद्यालय का परिसर कंटीली, खेजड़ी, बबूल व बेर की झाड़ियों से घिरा हुआ है। विद्यालय के बाहर व भीतरी परिसर में सुंदर उद्यानों को विकसित करने हेतु अनेक भामाशाहों से निवेदन कर लगभग 5,000 पादपों को प्राप्त किया गया व विद्यार्थियों एवं शिक्षकों द्वारा अभिभावकों व समुदाय की समस्या से लगभग पौधारोपण करवाया गया। प्रत्येक पौधे पर पहचान पट्टिका लगाई गई। प्रत्येक पट्टिका पर पौधे का वानस्पतिक नाम, सामान्य नाम हिंदी व अंग्रेजी व स्थानीय भाषा में लिखवाया गया। प्रत्येक पट्टिका पर एक जनप्रतिनिधि, अभिभावक, SDMC या SMC सदस्य का नाम व दो अन्य विद्यार्थियों के नाम लिखवाए गए, ताकि विद्यार्थी पौधों व पौधों की सार संभाल के प्रति जिम्मेदार हो सके। वह कुछ ही महीनों बाद विद्यालय में बायोडाइवर्सिटी व हर्बल वाटिकाएं तैयार हो गई। इसके साथ ही न्यूट्रिशनल गार्डन भी तैयार किया गया, जिसमें उत्पन्न होने वाली सब्जियों से MDM की गुणवत्ता बढ़ गई। धीरे धीरे विद्यार्थी शिक्षकों के सहयोग से हैंगिंग गार्डन व हाइड्रोपोनिक्स में भी रुचि लेने लगे। विद्यालय समय से पूर्व व पश्चात या मध्यांतर में पौधों को पानी पिलाना, गड्ढों को गहरा करना व खरपतवार को हटाना जैसे कार्यों में बच्चे जुट जाते हैं। यही नहीं, अपने घर, आंगन, खेत खलियान, गली मोहल्लों, अन्य सार्वजनिक जगहों पर भी बालक पोस्टर, निबंध और पौधारोपण करने में रुचि दिखाने लगे। प्रार्थना सभा या शनिवारीय बाल सभा में पौधों के वानस्पतिक नाम संबंधित कक्षा में पहेली आधारित क्विज प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर पौधों के वानस्पतिक नाम बतलाने लगे। घर से विद्यालय आते समय आसपास के परिक्षेत्र में उगने वाले जंगली पादपों की प्रजाति को विद्यालय लाकर शिक्षण की सहायता से TLM बनाने लगे। प्रधानाचार्य ने
नवाचार के रूप में विद्यार्थियों व स्टाफ के जन्मदिन के अवसर पर विद्यालय की नर्सरी में तैयार किए गए पौधों को बालकों के जन्मदिन के अवसर पर उपहार के रूप में प्रदान करना शुरू किया। पौधे उपहार में देकर सुरक्षित स्थान पर वृक्षारोपण व उसकी आजीवन सुरक्षा की शपथ भी लेने लगे। सीड बॉल निर्माण कर बंजर भूमि पर बिखेर कर हरियाली लाने का प्रयास करने लगे। हर्बल कीटनाशी नीम के माध्यम से गार्डन में लगे पौधों को दीमक कृमि आदि रोगों से बचाव हेतु हर्बल कीटनाशी का निर्माण करने लगे। इसी प्रकार पक्षियों हेतु परिंडे लगाना व दाना पानी डालने का काम भी आरंभ किया गया। अतः बालकों के पर्यावरण के प्रति सजगता व संचेतना का विकास होने लगा। विद्यालय के पादपों को सींचने हेतु प्रधानाचार्य द्वारा सिंचाई की प्राचीन विधि कुप्पी का विधि पोर्ट इरिगेशन व बूंद बूंद सिंचाई विधि का प्रयोग किया जाने लगा। विद्यार्थी बायोडाइवर्सिटी व सस्टेनेबिलिटी जैसे जल व सस्टेनेबिलिटी कचरा प्रबंधन एवं सस्टेनेबिलिटी जैसे विषयों पर 5-5 के समूह में शोध कार्य के माध्यम से क्षेत्र का व्यापक सर्वेक्षण करने लगे। प्रधानाचार्य डॉक्टर कल्पना शर्मा द्वारा भामाशाहों के सहयोग से विद्यालय में स्मार्ट कक्षा कक्ष स्थापित करवाया गया। विद्यार्थी स्मार्ट कक्षा से नए नए प्रयोग एवं विज्ञान के विभिन्न प्रतियों को समझने लगे। विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा बनाई गई रॉक पेंटिंग्स और स्टोन पेंटिंग्स के माध्यम से सीखने सिखाने की प्रक्रिया प्रभावी होने लगी। विद्यार्थी कचरा प्रबंध के विभिन्न तरीके सोचने लगे। प्लास्टिक की बेकार थैलियों को गमले के रूप में उपयोग कर पौधों की नर्सरी प्रधानाचार्य के निर्देशन में तैयार की गई। विद्यार्थी विद्यालय परिसर में पाए जाने वाले प्लास्टिक के पाउच व थैलियों को प्लास्टिक की खाली बोतलों में ठूंस ठूंस कर भरते हैं और पर्यावरण ईंटों इको ब्रिक्स का निर्माण करते हैं, जिसके फलस्वरूप विद्यालय सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त हो जाता है व इन ईंटों को पौधों के चारों ओर सुरक्षा घेरे आदि बनाने में उपयोग लिया जाता है। अतः शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावी हो गई।